जो पैसे दे के लोग बुला देते हैं ना यार, कि मतलब ठीक है तो कंप्लाइंस चेक, अगर आप भी जैसे मर्जी वर्क वीजा पे आ रहे हो, मैं डायरेक्ट कुछ बोल नहीं रहा, बट जैसे मर्जी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? गाइस आज मैं बैठा हूँ अपने स्टूडेंट हब में, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के। काफ़ी खाली खाली सा माहौल है, रात के 9 बज रहे हैं इधर। मैंने सोचा यार आप सबके लिए ना एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई जाए। अभी मेरे को कुछ स्टूडेंट्स मिले थे यहाँ पे ना, उन्होंने मेरे को एक चीज़ें बताई, मतलब कुछ चीज़ें बताई। ये जो अभी न्यू पार्टी आई है ना, इलेक्शन जो हुए हैं, जैसे पहले कंजर्वेटिव पार्टी थी, ऋषि सुनक की गवर्नमेंट थी, अब आई है लेबर पार्टी, ठीक है। तो उन्होंने जैसे होता है ना यार, पार्टियां होती हैं, प्रॉमिस करती हैं कि भाई अगर हम जीत गए तो हम ये करेंगे, तो वो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ कि उन्होंने भाई क्या क्या प्रॉमिसेस किए थे और अभी तक वो इम्प्लीमेंट हुए हैं नहीं हुए। वैसे तो नहीं हुए यार, देखो अभी अभी इलेक्शन जीते हैं ये 5 जुलाई को, ठीक है, तो अभी तक तो इन्होंने कोई प्रॉमिस पूरा इम्प्लीमेंट नहीं किया है अभी तक, बट जल्दी ही क्या पता ये करें, और ऐसा मेरे को लग भी रहा है कि करेंगे। क्योंकि यार एक ही रूल को मैं अभी आपको बताऊंगा ना, मैंने 7-8 रूल्स कलेक्ट किए हैं, जो भी मतलब इनकी जो कमिटमेंट्स थी वो कलेक्ट किए हैं, तो एक ही बार बार रिपीट किया हुआ है, फिर भी मैं आपको पढ़ के अभी सारे सुनाऊंगा कि क्या क्या आपके लिए बेनिफिट हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। वैसे तो यार देखो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी रूल करे क्या करे, हर चीज़ का वही जुगाड़ होता है, ठीक है। इंडियंस एशियंस को मतलब मिल जाते हैं, बाकी सुनो ध्यान से, क्योंकि यार देखो जो ये ऋषि सुनक की सरकार थी, जो भी थी, इन्होंने पहले PSW पे पंगा डाला, वर्क परमिट पे पंगा डाला, जो भी डाला, अच्छा वाला सब कुछ चल रहा था ना, एट दी एंड इन्होंने पता नहीं क्या क्या वो हिलाया। क्या पता अब वो सही हो जाए कि वर्क परमिट हम स्विच करा पाएं, बट वैसे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एनीवेज ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचते हम, जो जो मेन की पॉइंट्स हैं, जो जो इन्होंने भाई प्रोमिसज किए थे वो हम पढ़ते हैं यार। सबसे पहला है एम फॉर अ फेयर एंड प्रॉपरली मैनेज इमिग्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई फेयर एंड प्रॉपरली मैनेज इमिग्रेशन सिस्टम ये चलाना चाहते हैं कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर मतलब सब वो समझ जाओ यार, इतनी तो ये नॉर्मल इंग्लिश है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जल्दी जल्दी बताऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। फोकस ऑन रिड्यूसिंग स्मॉल बोट क्रॉसिंग्स एंड टैकलिंग असाइलम बैकलॉग। भाई क्या होता है, यूरोप से या फिर कहीं से भी लोग आ जाते हैं, डोंकी उनकी लगा के आ जाते हैं, तो कोई बोट से आता है। अभी पीछे मेरे जानने वाले के साथ हुआ था ऐसा एक ना, वो बेचारा बोट से आ रहा था फ्रांस से, मेरे दोस्त का भाई था, रियल भाई, वो अफगानी था, पूरा यूरोप वगैरह ट्रैवल करके आते हैं वो, फिर उसके बाद फ्रांस से बोट में यहाँ पे, जो नॉर्मल जो हम बोट होते हैं ना, छोटी छोटी बोट जो होती है उनमें आते हैं, उसकी बोट पलट गई थी बेचारे की, तूफान वगैरह आया होगा, कुछ आया होगा, फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर बचाने आए थे वहाँ से, रेस्क्यू करने आए थे। ऐसा भी होता है यहाँ पे, बट क्या करना अपने को, बाकी उसके खिलाफ वो करेंगे। वैसे ये हर सरकार करती है यार, ऋषि सुनक ने भी बोला था, बाकी ये बस एक चीज़ और कर रहे हैं, जैसे पहले वो रवांडा भेज देते थे ना, जो जो असाइलम सीकर्स होते थे उनको UK में नहीं रखते थे, उनको कहते थे भाई रवांडा जाओ ये वो, तो वो ये नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला था। बाकी इन्होंने ये भी सेकंड पॉइंट दिया, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो तो वेल एंड गुड है, बढ़िया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको बताता हूँ, प्लान टू लोअर लीगल माइग्रेशन एंड चेंज हायरिंग प्रैक्टिसेस फॉर ओवरसीज वर्कर, ठीक है। मतलब भाई वही है, लोअर लीगल माइग्रेशन एंड चेंज टू हायरिंग प्रैक्टिसेस फॉर ओवरसीज। मतलब यार देखो सिंपल ईजी शब्दों में आपको बता देता हूँ क्या करना चाहते हैं भाई, जो बाहर के लोग हैं उनको कम लाना चाहते हैं, और जो यहाँ के लोग हैं उनसे ज़्यादा काम निकलवाना चाहते हैं। मतलब कि अब भाई कोई अपनी कंट्री में है ना, अगर उसके पास वो स्किल्स हैं तो ये चाहते हैं कि भाई अपना ही बंदा काम करे हमारी जगहों पे, है ना, कि राधा दयान हम बाहर से बुलाएं स्पेशली दूसरी कंट्री से उसको काम दें, तो पहले जो अपने बंदों के काम पूरे नहीं हो रहे, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, उनको पहले प्रेफरेंस दे, फिर बाद में हम बाहर से ऐसा करें। मतलब यही आगे इनके जो रूल्स हैं ना, मेन पॉइंट यही चलता रहेगा यार इनका। देखो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो भी इसी से रिलेटेड है, क्या लिखा हुआ है, रिफॉर्म पॉइंट्स बेस्ड टू सिस्टम रिड्यूस माइग्रेशन। पॉइंट बेस्ड सिस्टम का मतलब एक तरह से गलत लिखा हुआ है मैंने ना, टाइपिंग में मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक है, तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम का ये कुछ करना चाहते हैं। अब जैसे भाई कैनेडा ऑस्ट्रेलिया का सबको आपको पता ही होगा,
वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम करते थे ना, करते हैं बल्कि, कि भाई 70 पॉइंट चाहिए या 80 पॉइंट चाहिए पीआर के लिए ये वो, तो ये भी ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा इन्होंने भाई बोला है, प्रॉमिस किया था। बाकी मतलब जैसा होता ना, आइल्स के इतने नंबर, बैचलर डिग्री के इतने नंबर, जॉब ऑफर के इतने नंबर, इतने पॉइंट्स, तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम ले आएंगे ऐसा करके कुछ भाई इन्होंने बोला था। ठीक है, वही है। फिर है भाई फिफ्थ पॉइंट अपना, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ यार ताकि बहुत लंबी वीडियो ना बन जाए, फिर आपका दिमाग भी खराब होगा, आप स्किप कर करके देखोगे, इसलिए भाई जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं आप सबको। ठीक है, बैन हायरिंग फ्रॉम ओवरसीज फॉर एम्प्लॉयर्स ब्रेकिंग एम्प्लॉयमेंट लॉज। देखो ये भी वही पॉइंट है यार, कि हायरिंग को बैन वगैरह कर देंगे जो एम्प्लॉयर जो है मतलब जो लॉज ब्रेक कर रहे हैं, जैसे यार समझ जाओ पैसे दे के लोग बुला लेते हैं ना यार, कि मतलब एम्प्लॉयमेंट लॉज कोई भी, कि मान लो भाई बंदे की इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी वो बंदे को उस जॉब ऑफर के लिए उसने चुन लिया, उसको बुला लिया, उससे पैसे ले लिए। ठीक है, मतलब समझ जाओ यार अब ये बात, अब भाई मेरी मान लो भाई ये यूनिवर्सिटी आने की वर्थ नहीं है, मेरे को फिर भी इन्होंने बुला लिया, ये कर दिया, मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए या कुछ भी भाई कर दिया, वही बात है भाई, उस पर वो करेंगे, ये अमल करेंगे, उसको रोकेंगे, हार्ड स्टेप्स लेंगे उस पर यार, बस यही है। फिर है भाई एड्रेसिंग स्किल्स शॉर्टेजेस इन की सेक्टर्स लाइक हेल्थ, सोशल केयर एंड कंस्ट्रक्शन। इस पर और ज़्यादा ध्यान देंगे, ये जो शॉर्टेज अपने ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं ना, केयर होम आ जाता है या फिर कंस्ट्रक्शन आ जाता है, वो जो ब्रिकलेयर्स वगैरह आते हैं, उस पर ध्यान देंगे, सब चीज़ें करेंगे। जैसे अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस चलती हैं, कोई स्ट्राइक पे चला जाता है, कोई कुछ कर देता है, तो उस पर मोर फोकस करेंगे कि भाई शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, वैसे ही इस पे कमियां चल रही हैं, तो और ज़्यादा इसमें लोगों को तकलीफ ना हो, समझ रहे हो? समझ गए। फिर है भाई एनहैंसिंग एक्सेस टू अप्रिसिएशन शिप्स एंड ट्रेनिंग टू सपोर्ट लोकल वर्कफोर्स। वही है भाई, मतलब अपने बंदों को ही वो देंगे ये, कि जो अपनी लोकल वर्कफोर्स है उसको ज़्यादा और बढ़ावा देंगे, और ज़्यादा उनकी हेल्प करेंगे, उनके लिए जितना हो सकेगा उतना करेंगे, बाहर का वो कम करेंगे, सब एक ही पॉइंट है, इन्होंने बस ऐसे बोला है। फिर एक और पॉइंट बताता हूँ आपको, पेनल्टीज एंड कंप्लाइंस चेक्स फॉर एम्प्लॉयर्स टू इंश्योर फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस। ये इससे पहले भी मैं आपको ये पॉइंट बोल चुका हूँ, ये कंप्लाइंस वगैरह होता है, जैसे हम कॉस वगैरह का करते हैं, समझ रहे हो, ये जो वर्क परमिट का होता है, तो उससे पहले ना कॉस निकलता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उससे भी पहले क्या होता है, बंदे का कंप्लाइंस होता है। कंप्लाइंस मतलब पता क्या होता है, कि मतलब कि उसको हम जॉब पे रख रहे हैं, तो उसका ऑफर लेटर हो गया, उसको प्रॉपर कंपनी ने ईमेल भेजी कि हाँ भाई हम आपको रखना चाहते हैं, आपको इस जॉब ऑफर के लिए हम सही समझते हैं कि आपको हमें रखना चाहिए, आपको ऑफर लेटर भेजेंगे, उसको कहते हैं भाई प्रॉपर कंप्लाइंस करके, कि कंपनी की ईमेल से प्रॉपर कंप्लाइंस हो, बंदे के पास सीवी, बंदा सीवी भेजे, फिर उसका ऑफर लेटर आए, प्रॉपर ये कंप्लाइंस चेक होगा। आजकल ये लोग करते नहीं हैं, गलत है ये, हम तो भाई हर जगह करवाते हैं, बाकी समझने वाले समझ जाओ। ठीक है, तो कंप्लाइंस चेक, अगर आप भी जैसे मर्जी वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, मैं डायरेक्ट कुछ बोल नहीं रहा, बट जैसे मर्जी आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, तो भाई अपने एम्प्लॉयर को बोलो आपका प्रॉपर कंप्लाइंस करे, ठीक है, आपको प्रॉपर जॉब ऑफर भेजे, ऑफर लेटर भेजे, फिर आपको यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, आपको प्रॉपर एम्प्लॉयर जो कंपनी की जो ईमेल आईडी है उससे आपको ईमेल भेजे कि हाँ यू आर सिलेक्टेड, यू आर हायर्ड, फिर जो भी मतलब प्रोसेस होता है वो प्रॉपर फॉलो करो, ये नहीं कि भाई उसको पैसे दिए, कोर्स ले लिया और आ गए यूके, नहीं, 5-6 महीने चलेगा फिर निकल जाओगे, फिर वो बोलेगा कि भाई आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, उसकी कंपनी बंद हो गई, कुछ हो गई, तो इसलिए भाई दोनों तरफ से ना वो होना चाहिए भाई बैलेंस, कि वो भी अपना अच्छे से करे भाई, आप भी अपना अच्छे से करो, तो इसलिए बस, और कोई पॉइंट है नहीं है, यही इन्होंने कुछ प्रॉमिस वगैरह किए थे, बाकी मेरे को तो नहीं लगा अभी तक अपने लिए कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, बाकी होगा थिंक सो, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, देखते हैं, बाकी बाकी पैसे से सब कुछ हो जाता है, देख लेना। और हाँ, किसी को कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी पर्सनल डाउट हो, या कुछ भी अर्जेंटली कुछ पूछना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा मीटिंग लिंक है, उसमें आप जाके मेरे से पर्सनलाइज मीटिंग कर सकते हो, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो और मैसेज कर देना, नो प्रॉब्लम, देख लेंगे आपकी क्वेरी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।